नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ क्रिकेट के टॉप 10 कमेंटेटर की सैलरी की सूची। तो दोस्तों जानिए कि आकाश चोपड़ा और जतिन सप्रू की कमाई कितनी हो जाती है। तो दोस्तों वो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखना पसंद होता है। हालांकि ज़्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जिनको क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, इसीलिए वह लोग टीवी पर मैच देखते हैं। टीवी पर मैच देखते हुए लोगों को कमेंट्री सुनना भी काफ़ी पसंद होता है। आज की इस पोस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भारत के कुछ लोकप्रिय कमेंट्रेटर की सैलरी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों अब बात करते हैं कि रवि शास्त्री, तो रवि शास्त्री वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच है, लेकिन जब वह कमेंट्री करते थे तो लोगों को काफ़ी बड़ा मज़ा आता था और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 तक उनको एक सीरीज के लिए 56.93 लाख मिलते थे। वहीं एक आईपीएल सीजन के लिए उनको 4 करोड़ रुपए दिए जाते थे, यानी कि वो एक साल में कमेंट्री करते हुए लगभग 6 करोड़ रुपए कमा लेते थे। अब सुनील गावस्कर की बात करें तो सुनील गावस्कर आज भी कमेंट्री में करोड़ों की कमाई करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में कमेंट्री करने के लिए सुनील गावस्कर को 56.93 लाख रुपए दिए जाते हैं। आईपीएल में कमेंट्री करने के लिए उनको प्रति सीजन 2.35 करोड़ रुपए मिलते हैं। सुनील गावस्कर की एक साल की सैलरी है 6 करोड़ से भी ज्यादा। अब दोस्तों संजय मंजरेकर की बात करें तो संजय मंजरेकर एक सीरीज के हिसाब से 42 लाख रुपए दिए जाते हैं। वह आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैच में कमेंट्री करके हर साल 6 करोड़ से भी ज़्यादा कमा लेते हैं। हर्षा बोगले, तो हर्षा बोगले बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय कमेंट्रेटर है जिनको एक सीरीज में कमेंट्री करने के लिए 32 लाख रुपए मिलते हैं। उनकी एक साल की इनकम 5.50 करोड़ रुपए के आसपास है। माइकल वॉन की बात करें तो माइकल वॉन एक स्पोर्ट्स चैनल के लिए कमेंट्री करते हैं। उनको हर सीरीज के लिए 38 लाख रुपए की फीस मिलती है। उनकी सालाना कमाई 5.80 करोड़ रुपए। इयान बिशप की बात करते हैं कि वेस्ट इंडीज टीम के पूर्व तेज गेंदबाज इयान बिशप को हर सीरीज में 33 लाख रुपए की कमाई होती है, जबकि उनकी सालाना इनकम 5 करोड़ के आसपास है। अनिल कुंबले की बात करें तो भारतीय टीम के पूर्व महान खिलाड़ी अनिल कुंबले बतौर कमेंटेटर क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। उनको एक सीरीज के लिए 32 लाख रुपए की फीस मिलती है, जबकि उनकी सालाना कमाई है 5.50 करोड़ रुपए के आसपास। अब दोस्तों आकाश चोपड़ा की बात करें तो आकाश चोपड़ा भी काफ़ी मज़ेदार कमेंट्री करते हैं। जबकि वह कमेंट्री करते हैं तो दर्शक कान लगाकर सुनते हैं। उनको हर सीरीज के लिए 30 लाख की फीस मिलती है। उनकी एक साल की कमाई है 4 करोड़ के आसपास। दोस्तों अब जतिन सप्रू की बात करते हैं कि जतिन सप्रू की एक मैच की कमाई है 1.50 करोड़ के आसपास है। वह हर साल 1.75 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। दोस्तों वीवीएस लक्ष्मण की बात करें तो वीवीएस लक्ष्मण को 3.5 लाख की फीस मिलती है। उनकी हर साल की कमाई है 2.50 करोड़ से 3.50 करोड़ के बीच में। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।